ओके जी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 106। क्रोनोलॉजिकली अरेंज द मेथोडोलॉजी यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग आईशी रिपोर्ट। तो आईशी रिपोर्ट के ऊपर पहले भी 2-3 बार लोग क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ठीक है। इस बार उन्होंने थोड़ा सा उल्टा सा क्वेश्चन पूछ लिया है, मेथोडोलॉजी वाला, ठीक है, कि इनको क्रोनोलॉजिकली आपने अरेंज करना है। ओके, व्हाट इज दिस रजिस्ट्रेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ HEIs, कंपाइलेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, कलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डाटा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। एक मतलब ये सिर्फ आप आईशिंग लोगों ने यहाँ पे सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया। जनरली सोचो कि कोई भी अगर सर्वे हो रहा है तो उसकी क्या क्रोनोलॉजी रहेगी, स्टेप वाइज वो कैसे चले, तो करो इसको अरेंज कैसे होगा ये। देखो, पहले अगर आप किसी भी चीज के ऊपर सर्वे करने निकले हो ना, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप सर्वे किन यूनिट्स के ऊपर कर रहे हो। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना कि वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, उनके क्या क्या नाम है ना, और कैसे कैसे आप उसके ऊपर फर्दर मेथोडोलॉजी को डेवलप करोगे, राइट। तो सबसे पहले तो यही चीज होगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ HEIs, ठीक है। जब आपने एक बार उनको आइडेंटिफाई कर फिर लिया, आप रजिस्ट्रेशन रजिस्टर करोगे, उनकी एक लिस्ट बना लोगे कि ये वाले फॉर इंस्टेंस 100 इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। अगर आप कंट्री लेवल के ऊपर देखो, 5,000 इंस्टीट्यूशंस है जिनके ऊपर हमें जो है यहाँ से डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपने उनकी लिस्ट बना ली, आपने उनको रजिस्टर कर लिया कि ये वाले तो हमारे सर्वे के अंदर इंक्लूडेड होंगे। फिर आपने क्या किया, जब ये सब कुछ हो गया, मतलब जो आपका प्री वेरिफिकेशन डाटा कलेक्शन वाला प्रोसेस था वो हो गया, तो अब आप क्या करोगे, आप डाटा कलेक्ट करोगे, ठीक है। आपने जब डाटा कलेक्ट कर लिया, फिर आप उसको एक बार दोबारा से वेरीफाई कर लोगे, चेक कर लोगे दोबारा से कि कोई गलती तो नहीं होगी उसके अंदर, डाटा के अंदर, राइट। और जब आपने ये कर लिया, उसके बाद आप डाटा को कंपाइल कर लोगे, उनको आप टेबल्स के अंदर ऑर्गेनाइज कर लोगे, आप रिपोर्ट बना लोगे। और जब आपने वो बना ली, फिर आप डाटा को एनालाइज करोगे, राइट, कि भाई फॉर इंस्टेंस अगर आपको ये देखना है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसकी जो स्कीम्स हैं उसके रिगार्डिंग किस तरीके का जो है मतलब कि रिजल्ट मिल रहा है, मिनिस्ट्री ने कोई भी स्कीम लॉन्च करी है, क्या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर उस स्कीम की वजह से कोई रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे। तो इस तरीके से आप डाटा को जो है एनालाइज कर सकते हो। आई थिंक इसके अंदर कुछ भी नहीं था, काफी सिंपल क्वेश्चन था। आइडेंटिफाई करोगे, रजिस्टर करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे, वेरीफाई करोगे और उसको कंपाइल करके एनालाइज करोगे, राइट। सो बी सी डी ए नहीं सॉरी तो मैम BA बी ए डी सी, ये रहा फोर्थ वाला, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 1051। हाँ, फोर्थ ही है इसका, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम्स आर। ओके, स्कीम के ऑब्जेक्टिव, ठीक है जी। टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग एडोलेसेंट गर्ल्स मेंस्ट्रुअल हाइजीन, टू इंक्रीज एक्सेस टू एंड यूज ऑफ हाई क्वालिटी सैनिटरी नैपकिन्स टू एडोलेसेंट गर्ल्स इन रूरल एरियाज, टू इंश्योर सेफ डिस्पोजल ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स इन एन एनवायरमेंटली फ्रेंडली मैनर, ठीक है, टू प्रोवाइड मेंस्ट्रुअल लीव। बताओ। बी ऑप्शन में हाई क्वालिटी का थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि जब एक्सेस होगा तो वो एक्सेस किसी भी तरीके का हो वो नेसेसरी है, वो हाई क्वालिटी नहीं है, बट ऑप्शन डी नहीं होगा। देखो, इसमें डाउट होना नहीं चाहिए, वैसे मैं मान रही हूँ कि हो सकता है पर होना नहीं चाहिए। अगर आप एक्सेस दे रहे हो ना किसी चीज का, तो इट हैज टू बी लाइक क्वालिटी वाली चीज, अदरवाइज फिर क्या ही फायदा उस चीज का, राइट। तो अगर आप इस तरीके के पैड्स जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हो, इस तरीके के नैपकिन प्रोवाइड करवा रहे हो जो कि उतना ज्यादा हाइजीन ही इंश्योर नहीं कर पा रहे, है ना, कि आपको उनको बार बार चेंज करना पड़ जा रहा है, तो फिर जो लड़कियां स्कूल में जाती हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। फिर वो क्या करेंगे, बैक टू ट्रेडिशनल मेथड्स, है ना, वो वाला दोबारा से यूज करना शुरू कर देंगे। तो इट हैज टू बी हाई क्वालिटी सो दैट कि लोग जो है उस चीज को कंटिन्यूअसली यूज कर पाए और उससे जो है विमेन की हेल्थ जो है वो इंश्योर्ड रहे, राइट। तो इट हैज टू बी देयर। और एनीवेज यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो आप इसको तो सेफली निकाल ही सकते हो, टू प्रोवाइड मेंस्ट्रुअल लीव, क्योंकि वो इन हाइजीन स्कीम्स यस में काम नहीं रहेगा, उसके लिए कोई और दूसरी स्कीम आएगी जिसका वो कंपोनेंट होगा, राइट।
वो वैसे भी मैटरनिटी बेनिफिट में आएगा, मेंस्ट्रुअल लीव वाला, नॉट सॉरी, उसमें तो कहाँ आएगा, वो तो प्रेगनेंसी में आएगा. तो नहीं, ये वाला तो अभी तक इंडिया में इंश्योर नहीं हुआ. ये आपको यहाँ पे पूछा भी इसलिए गया है बिकॉज ये थोड़ा सा पीछे न्यूज में था कि इंडिया में जो वर्किंग वुमेन है उनको मेंस्ट्रुअल लीव जो है 1 या 2 दिन की वो मिलनी चाहिए, इस वजह से ये ऑप्शन यहाँ पे आ गया. ठीक है जी. तो एनीवेज इसका फिर ABC ही होगा, हम लोग इसको निकाल देंगे. तो ABC ये रहा, बार इसको चेक कर लेते हैं. 1017, 1 ही है इसका. ठीक है, काफी सिंपल ही क्वेश्चन था ये भी. यस मैम, नेक्स्ट इज, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मेटरनल हेल्थ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स? ओके, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स का प्राइमरी फोकस, प्रोवाइडिंग चाइल्ड केयर अलाउंसेस, ओके, इंक्रीजिंग इक्विटी एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी, क्या इंश्योरिंग सेफ प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्ट नेटल केयर फॉर वुमेन, ठीक है, प्रोवाइडिंग मैंडेटोरी डे केयर सेंटर्स. ऑल राइट, बताओ क्या लगता है आप लोगों को, ABBD, BCCD? मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो होगा ही होगा. एक तो आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे ऐसा ऑप्शन ना, सी मैम सी वाला तो होगा। वाला सी वही होगा, मैम, राइट? तो हम इनको तो सेफली एलिमिनेट कर सकते हैं जिसमें सी नहीं है. तो बचता है बी एंड सी, सी एंड डी. तो देखो, इंक्रीजिंग इक्विटी एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड प्रोवाइडिंग मैंडेटोरी डे केयर सेंटर, बताओ. शायद डी मैम, सी एंड डी, सी एंड डी. आपको इस वर्ड में दिक्कत नहीं लग रही थोड़ी, मैंडेटोरी डे केयर सेंटर्स में? मैम। बट लेकिन ऑप्शन बी जो है, इंक्रीजिंग इक्वालिटी एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी, ये ये मतलब तो मैम थोड़ा देखो मेटर्नल हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। नहीं है, पर इसमें एक इशू है कि ये वाला क्वेश्चन जो था मेरे को किसी ने भेजा था पहले जब एग्जाम हुआ था, ठीक है, और मेरे को भी यही लगा था कि इसका सी एंड डी होना चाहिए, बट जब फाइनल आंसर की आई थी तो उसके अंदर इसका बी एंड सी. तो आई एम जस्ट गेसिंग कि बिकॉज यहाँ पे मैंडेटोरी लिखा हुआ है उस वजह से उन लोगों ने वहां पे बी को इंक्लूड किया है. ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेच करके देखो तो मेटरनल हेल्थ का रिलेशन जो है वो इक्विटी और पॉवर्टी के साथ रहेगा, है ना, अगर आप लॉन्ग टर्म किसी चीज की कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो देख रहे हो. जैसे अगर मेटरनल हेल्थ आप इंश्योर करोगे, विमेन की ओवरऑल हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से वो ज्यादा जो है वो काम कर पाएंगे, और जिसकी वजह से जो पॉवर्टी है अमंग विमेन वो कम हो सकती है, और उस वजह से इक्विटी जो है अमंग डिफरेंट जेंडर्स जो है वो बनेगी. फाइन, अब यहाँ पे दिक्कत क्या हो गई है कि देखो वो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बोल रहे हैं, राइट? तो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स तो गवर्नमेंट ही लेकर के आ रही है, प्राइवेट की तो वो बात नहीं कर रहे हैं, है ना? और प्राइवेट गवर्नमेंट किसी भी स्कीम के अंदर मैंडेटोरी डे केयर सेंटर्स का प्रोविजन नहीं है जहां तक मुझे पता है. ठीक है, यस, वहां पे ये प्रोविजन होता है कि भाई जो मतलब ऑफिसेज हैं उनके आसपास डे केयर सेंटर्स हों, ठीक है, ये चीज आपको इंश्योर करनी होती है, लेकिन इट इज नॉट कि मैंडेटोरी होगा कि आप ऑफिस के अंदर ही मैंडेटोरी जो है वो डे केयर सेंटर्स जो है वो आप प्रोवाइड करोगे, इट इज नॉट मैंडेटोरी. तो वो ऐसा माना जाता है कि प्रेफरेबली आप वो कर सकते हो, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर अगर आसपास में है तो वो भी ठीक रहता है, बट मैंडेटोरी कॉम्पोनेंट जो है वो डे केयर सेंटर्स का नहीं है गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, या फॉर दैट मैटर प्राइवेट ऑफिस में भी. ठीक है, तो इस वजह से मेरे हिसाब से इसका जो था वो डी नहीं हो सकता था. थोड़ा सा ये ट्रिकी सा क्वेश्चन था और आई एम क्वाइट श्योर कि मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ होगा. अगर मैं सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन की बात करती तो यस सी एंड डी होना चाहिए था, बट अगर आप देखो कि उन लोगों ने क्या लॉजिक लगाया तो मेरे हिसाब से ये वाला लॉजिक जो है वहां पर लगा होगा, तब उन्होंने जो है इसका आंसर बी एंड सी. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following structural variable determine women's work in India? Structural variable determine women's work in India. Okay. Regional differences, labor market, family, caste, class, and food preferences. बताइए, तीन ऑप्शंस हैं, एक को आपको एलिमिनेट करना है. कौन सा करोगे एलिमिनेट? कौन मैम डी, सा? ऑप्शन डी, फूड फूड प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस, सही बात है.
बिकॉज अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखो तो फिर यही एलिमिनेट होना चाहिए. ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन लेबर मार्केट कि विमेन्स वर्क जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर बेसिकली डिपेंड करता है, वो पूछ रहे हैं. तो लेबर मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा, इसी टाइम पे इकोनॉमी में रिसेशन आई हुई है कि बूम आया हुआ है, जैसे कोविड के अंदर सारे जितने भी बिजनेसेस थे, बाकी जितने भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी, सब कुछ ठप पड़ गया था. उसमें वुमेन्स वर्क जो है वो भी कम होगा, है ना. तो लेबर मार्केट के ऊपर ऑफकोर्स इट विल डिपेंड. फिर उसके बाद जो है इट विल डिपेंड ऑन फैमिली, कास्ट एंड क्लास. ऑफकोर्स यही तो हम लोग सारा दिन पढ़ते हैं, है ना. एंड देन रीजनल डिफरेंसेस ऑफकोर्स, ठीक है. जैसे मान लो कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहाँ पे वुमेन्स वर्क के लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो ज्यादा होंगी कंपेयर टू रूरल एरियाज, वहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर ज्यादा होंगी, जबकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर हो सकता है फॉर्मल सेक्टर का शेयर जो है वो ज्यादा हो. ठीक है, नॉट ज्यादा, मतलब रूरल एरिया के कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे तो ज्यादा होगा. वैसे वुमेन हर जगह पे इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करते हैं, राइट. सो ये तीन ऑप्शन तो रहेंगे. और फूड प्रेफरेंसेस का यहाँ पे कोई भी कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं देखने को मिलता है, तो इसका आंसर जो है वो फॉर श्योर ए बी एंड सी ही होगा. हम लोग देख लेते हैं एक बार इसको. 1013, 1 ईयर, ठीक है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट इज आर करेक्ट. ऑल राइट, इरेडिकेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, इट इज फॉर पर्सन्स बिटवीन 15 to 49 ईयर्स एज ग्रुप, इट इज फॉर गर्ल्स एंड वेमेन एज बिटवीन 15 to 49 ईयर्स, वेमेन एंड चिल्ड्रन, वेमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट विल इम्प्लीमेंट दिस अभियान. बाकी लोग कहाँ गए, एक ही बच्चा रह गया यहाँ पे. ओके इरा, वुड यू लाइक टू अटेम्प्ट दिस? मैम, मुझे लग रहा है कि सबसे पहले तो इराडिगेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन सही लग रहा है। पर्सन्स बिटवीन 15 to 45 भी सही लग रहा है। लेकिन बाकी दोनों, अगर हम वुमेन स्पेसिफिक होगा, वुमेन एंड गर्ल चाइल्ड स्पेसिफिक होगा, तब ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो इट कैन बी इट इज़ फॉर गर्ल्स एंड वुमेन एज बिटवीन 15 to 49 एंड वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट विल इम्प्लीमेंट दिस अभियान। तो ए, सी एंड डी लग रहा है मुझे, ऑप्शन 3। कि मेरे हिसाब से भी इसका यही होना चाहिए. बट अगर देखो, ऑब्वियसली मोस्टली लोगों ने ये स्कीम जो है वो नहीं पढ़ी होगी, कोई भी मतलब बहुत पुरानी से पुरानी या फिर बिल्कुल ही कहीं से ऐसी स्कीम उठा करके ले आते हैं जिसका हमने सुना नहीं होता है. तो उस केस में देखो हमें कर क्या सकते हैं, हमें पता है कि भाई तीन ऑप्शन जो है वो होंगे ही होंगे और एक गलत होगा, है ना. मुझे पता है कि ये तो हर हाल में सही है, अगर ये सुपोषण अभियान है दैट मीन्स कि न्यूट्रिशन का मिशन है, तो न्यूट्रिशन का मिशन तो माल न्यूट्रिशन को ही हटाने की कोशिश करेगा, तो फर्स्ट तो होगा ही होगा, राइट. अब देखो मुझे पता है कि इन तीन में से दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो तो करेक्ट होंगी होंगी. तो अगर मैं इस वाली स्टेटमेंट को सही मानती हूँ कि भाई ये 15 to 49 ईयर्स सबके लिए है, मैन वुमेन चिल्ड्रन, ठीक है, नॉट चिल्ड्रन मतलब मैन वुमेन जितने भी एडल्ट 15 to 49 के बीच में पढ़ते हैं सबके लिए, अगर ये बात सही हो तो फिर ये चीज गलत हो जाएगी कि वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट इसको इम्प्लीमेंट करेगा. फिर तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए ये, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, है ना. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं इस वाली स्टेटमेंट को सही मानूं कि इट इज फॉर गर्ल्स एंड वुमेन एज बिटवीन 15 to 49 ईयर्स, तो ये वाली बात जो है वो सही लग, राइट. और अगर मैं सिर्फ इसको सही मानूं तो फिर मुझे ये यस वाला मैम, सही करना पड़ेगा. तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन वैसे, क्योंकि हमें तीन ही स्टेटमेंट जो है वो करनी है. और अगर ये सारा लॉजिक भी मैं हटा दूं तो भी आपको पता है कि वुमेन स्टडीज में ये क्यों पूछ रहे हैं, बिकॉज ये वुमेन स्पेसिफिक स्कीम होगी, राइट. तो उतना भी हमें ज्यादा सोचने की इसमें जरूरत नहीं है. तो बात सही है कि भाई इसका आंसर जो है वो होगा ए सी एंड डी, यही है ना, वुमेन एंड गर्ल्स, हाँ ठीक है, ए सी एंड डी, थर्ड. यस मैम, लेट्स चेक, 1018, यही है इसका. ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था, राइट. सो हु इज द ऑथर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी सुल्तानाज ड्रीम ऑफ फेमिनिस्ट यूटोपिया? आई थिंक दूसरी या तीसरी बार ये क्वेश्चन जो है पूछ रहे हैं, बताओ. ताराबाई शिंदे, रुकैया हुसैन, कॉर्नेलिया सोराबजी, कमला दास. फोर मैम, कौन सा? कमला दास है। नहीं, फोर नहीं है इसका.
लोग पढ़ भी सकते हो, ये स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने मास्टर्स में पढ़ी थी एंड आई वाज डूइंग मास्टर्स इन हिस्ट्री। खैर इसका रुकैया शेखावत हुसैन है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये दूसरी तीसरी बार आ रहा है ये क्वेश्चन, तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही निकल जाते, ठीक है। तो रुकैया शेखावत हुसैन है इनका, बांग्लादेशी राइटर, ठीक है, इनके बारे में पूरी डिटेल में नोट्स में दिया हुआ है। इसके अलावा भी इन्होंने, इस शॉर्ट स्टोरी के अलावा भी जो जो चीजें करी हैं वो सब कुछ जो है वो प्रॉपर पूरे नोट्स वाले सेगमेंट के अंदर आपको दिया हुआ, उसको जाकर के एक बार देख लेना। और व्हेन वी कम टू ताराबाई शिंदे, इनकी कौन सी बुक है? बिल्कुल मैम, स्त्री पुरुष तुलना। गुड। तो स्त्री पुरुष तुलना जो था वो ताराबाई शिंदे ने लिखा था, वो भी काफी फेमस जो है इनका वर्क है, ठीक है। खैर ये हमेशा याद रखना, आप इसको जाके पढ़ भी लेना, आई थिंक ज्यादा बड़ी नहीं है, 3-4 पेज की स्टोरी है ये, तो इसको जरूर पढ़ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू विल लाइक इट। एनी वेज इसका 2 ही होगा, वी डू नॉट नीड टू चेक दैट। ओके ओके, अज्ञान क्रोनोलॉजी, फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वर्किंग फॉर वुमेन एंड चाइल्ड इन इंडिया, कौन कौन से हैं? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और NCPCR, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। बताइए जी, डिपार्टमेंट कब बना था? देखो जब मिनिस्ट्री बनी थी ना वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, उससे पहले 20 सालों तक जो था वो डिपार्टमेंट हुआ करता था वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, अंडर मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, नॉट श्योर, बहुत पहले पढ़ा था मैंने, बट या तो उसमें होगा HRD में होगा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में होगा, मेरे ख्याल से MHRD में था, ठीक है जी, बट कोई नहीं, नोट्स के अंदर इंक्लूडेड, आप जाकर के देख लेना। एनी वेज आई रिमेम्बर कि भाई ये मिनिस्ट्री बनने से 20 साल पहले तक जो था वो डिपार्टमेंट था, तो कब बना था डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, मिनिस्ट्री कब बनी थी ये बता दूं। देखो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बना था 1985 में, ठीक है, और मिनिस्ट्री बनी थी इसके 20 साल के बाद, दैट इज 2005 में, ठीक है। तो 20 सालों तक जो ये वाला पूरा सेगमेंट है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, ये डिपार्टमेंट ने देखा था, और उसके 20 सालों के बाद इन्होंने इसको प्रॉपर मिनिस्ट्री बना दिया, ठीक है जी। मैम, जो डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसी का रखा था क्या? नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हुआ करती थी पहले, उसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया था अभी 3-4 साल, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री हुआ करती थी, उसका नाम बदल करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया था, और ये जो डिपार्टमेंट है ये 1985 से 2005 तक, आई एम नॉट श्योर, ये नोट्स में इसको जाकर के देख लेना, ये MHRD के अंडर अंडर जो था वो आता था, और 2005 में उसमें से निकाल करके इसको पूरी प्रॉपर मिनिस्ट्री बना दिया गया था। और NCPCR, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, कब बना था, और NCW कब बना था, ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को, कब बना था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है। हाँ जी, सॉरी, बताओ जी, एक कोई भी बता दो यार, NCW, NCPC, कब बना था? नाइनटीन हाँ जी, नाइनटी हाँ NCW बना था 1992 में, एक्ट कब आई थी इसकी, एक्ट भी बताना चाहिए, नाइनटी 1990,
1990 में, इसकी एक्ट आई थी 1990 में, और ये 1992 में बना था, इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इन्होंने एक्ट भी पूछ लेते हैं उससे, वो क्रोनोलॉजी में ही दे देंगे कि एक्ट कब आई थी और जो कमीशन जो था वो कब बना। उसी तरीके से एनसीपीसीआर कब बना था, 2007 में मैम। 2007 में एक्ट कब आई थी, 2005 में, 5 में 2 साल पहले। तो वही दो दो साल का डिफरेंस है दोनों में, याद रखना। 1990 में एक्ट 92 में बना था, 2005 में इसकी एक्ट आई थी, और 2007 में जो था वो एनसीपीसीआर बन गया था। ठीक है जी, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई 2005 में प्रॉपर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बनती है, उसी साल में एनसीपीसीआर की एक्ट लेकर के आते हैं, क्योंकि दोनों को एक साथ नहीं एस्टैब्लिश कर, और फिर 2 साल के बाद जो था वो कमीशन जो था एनसीपीसीआर वो बन गया। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो क्रोनोलॉजी बैठती है वो देख लो आप। पहले कौन सा आएगा, ये वाला डिपार्टमेंट, C हाँ जी, A D CBAD, हाँ ये रहा, इट्स चेक 1053। यही है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है, ये फ्री के नंबर है बिकॉज ये एज इट इज चीजों को उठा करके पूछ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में गलत होने नहीं चाहिए आप लोगों के। ओके, अगेन मैच द फॉलोइंग, लिबरल, रेडिकल, पोस्ट कॉलोनियल और इको फेमिनिज्म, शोलामिथ, फायरस्टोन, जेएस मिल, मारिया माइस, गायत्री स्पिवाक। ओके, ये भी बहुत सिंपल है, बताओ। ए का मैम JS मिल, लिबरल का मैम डी का 3। डी का 3 को इज मारे माइस, ठीक है, और रेडिकल, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स किसने लिखी थी, मैम फर्स्ट शोलामिथ फायरस्टोन, ठीक यस है, सी का 4। सी का 4, पोस्ट कॉलोनियल, गायत्री स्पिवाक, कैन द सबाल्टर्न स्पीक, है ना, राइट। सो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, ये इसी में है, सी का 4 और डी का 3, यही होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 1038, यही है, 2 ही है। ठीक क्या है, एडविन एंड शर्ले, आर्डनेस, म्यूटेड ग्रुप थियरी, ऑल राइट, स्पीक्स अबाउट द वुमेन्स एजुकेशनल स्टेटस, ऑक्यूपेशनल स्टेटस, डोमिनेशन एंड साइलेंस। पढ़ा आप लोगों ने इस थियरी के बारे में, इट इज समथिंग रिलेटेड टू नो लैंग्वेज। मैम, ठीक है, आपको हिंट दे रही हूँ, इट इज समथिंग रिलेटेड टू लैंग्वेज ओनली। हमें पता है कि फेमिनिस्ट थ्योरी का, या फिर आप स्पेसिफिकली रेडिकल फेमिनिस्ट जो हैं उनका लैंग्वेज के ऊपर काफी काम रहा है ना। अच्छा, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, मुझे बताओ क्वेश्चन के हिसाब से इसका कौन सा ऑप्शन हो सकता है। मैम साइलेंस ऑप्शन 4। वही है, देखो ना, म्यूटेड साइलेंस, एक ही बात होती है दोनों की, तो यस मैम, थोड़ा सा जस्ट टू टेल यू व्हाट इज म्यूटेड ग्रुप थियरी अबाउट, वो ये बोलती है कि जैसे जो रेडिकल फेमिनिस्ट जिन्होंने लैंग्वेज के ऊपर काम किया, उनकी जो बेसिक आर्ग्यूमेंट रहती है कि जिस तरीके की लैंग्वेज को हम लोग समझते हैं, जानते हैं, वो लैंग्वेज जो है वो आदमियों ने बनाई थी आदमियों के लिए, ठीक है, और उस क्योंकि वो लैंग्वेज डोमिनेंट लैंग्वेज है, इसलिए उस लैंग्वेज को हर कोई यूज करता है अदर देन जो मेल जेंडर है वो भी, लेकिन वो बाकी लोग जो हैं उस लैंग्वेज की वजह से मार्जिनलाइज होते हैं बिकॉज उनका जो एक्सप्रेशन है, उनकी जो आइडेंटिटी है, वो उसके अंदर जो है उतना ज्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जैसे बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स आपके पास इसके होंगे, लाइक मिस इज, मिस्टर जो है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एक लड़का शादी से यस मैम, पहले भी मिस्टर होता है, वो शादी के बाद भी मिस्टर होता है। ऑन द अदर हैंड, अ गर्ल हु इज अ मिस बिफोर मैरिज बिकम्स अ वुमेन विद मिसेज आफ्टर मैरिज, है ना, और एग्जाम्पल्स देख यस लो, मैम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी ग्रुप का हेड कौन होता है, चेयरमैन,
नॉट चेयरपर्सन, चेयरपर्सन अब यूज करना शुरू करा गया है, हमेशा चेयरमैन होता है, ठीक है, अब उसको जेंडर न्यूट्रल टर्म लेकर के आया चेयरपर्सन, ठीक है। उसी तरीके से स्पोर्ट्स से रिलेवेंट आपको एक चीज बताऊं, अब देखो मैं अभी विमेन्स आईपीएल जो है वो होना शुरू हो गया इस बार, आरसीबी जीती, उसके अंदर ना जो आईपीएल है जो प्रॉपर डोमिनेंट वाला है वो है कि लड़के खेलेंगे, वो आईपीएल है, उसको कोई मेन्स आईपीएल नहीं बोलता, लेकिन जो आईपीएल लड़कियां खेलेंगी वो विमेन्स आईपीएल है। उसी तरीके से क्रिकेट का भी देख लो, मतलब नॉर्मल जो आपका ब्रॉडर क्रिकेट है इरिस्पेक्टिव ऑफ आईपीएल, उसके अंदर जो है वो मेन की क्रिकेट टीम होती है इंडियन क्रिकेट टीम, जबकि विमेन की क्रिकेट टीम होती है इंडियन विमेन क्रिकेट टीम। जैसे कि जो विमेन है वो सबॉर्डिनेट है, वो सब्सिडरी है, और जो डोमिनेंट है जिसको प्रायोरिटी है वो है मेन क्रिकेट टीम जो कि क्रिकेट टीम है, राइट। तो एडिशनल क्या हो गया यहाँ पे, विमेन। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप रोजमर्रा की लाइफ के अंदर बहुत सारे देख सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस वो भी आप देखो कि मतलब आजकल एकेडमिक्स के अंदर जो है हम लोग हर ज्यादा यूज करने लगे हैं, क्योंकि पहले हर जगह पे क्या होता था, हिज, है ना। जब भी हम प्रोनाउंस को यूज करते हैं, जब हमें किसी के जेंडर के बारे में नहीं पता होता है, तो ज्यादातर हर जगह पे हिज हिज होता है, हिज हिम ही, राइट। लेकिन कहीं पे भी हर नहीं होता था, अब उसको यूज किया जाना शुरू हुआ है पिछले 10-15 साल हो गया, थैंक्स टू फेमिनिस्ट थ्योरी में, ठीक है, बहुत सारे रेडिकल फेमिनिस्ट जिनका लैंग्वेज के ऊपर काम रहा। तो वो बात है कि भाई, और नॉट जस्ट वुमेन, म्यूटेड ग्रुप थ्योरी, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, सबकी बात करते हैं जिसमें वुमेन भी आती है, तो इसमें बाकी लोग भी आ जाएंगे, जैसे ब्लैक्स हो गए, ठीक है, इंडिया में जैसे दलित्स हो गए, फाइन। तो वो बात है, वो ये थ्योरी बोलती है। एनीवेज इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज ऑप्शंस ही काफी ज्यादा सिंपल थे, तो टॉक्स अबाउट साइलेंस ओनली, साइलेंस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, ओके। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं, 0989, ये इसका साइलेंस, ओके। व्हाट इज दिस, कॉलोनाइजेशन फॉर चंद्रा तलपड़े मोहंती कनोट्स, फेवरेबल इकोनॉमिक एक्सचेंज, एब्सेंस ऑफ पोलिटिकल डोमिनेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर कल्चर्स एंड अप्रोप्रिएशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ नॉलेज, ओके, बताइए जी। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। 3 मैम शायद। ओके, तो अगर 3 सही है, फिर 1 और 2 में ऐसा क्या है जो नहीं हो सकता। मेरे को एक चीज बताओ, जब हमें कोई चीज नहीं भी समझ में आती है ना, हमें पता है कि ऑप्शन तो एक ही है इसमें, वो तो है नहीं, ग्रुप वाला तो है नहीं कि 3 ऑप्शन सही है एक गलत है, तो आप ऑड वन आउट चूज कर लो, इसमें से ऑड वन आउट बता दो मेरे को कौन सा है। इसमें थोड़ा सा खैर ढूंढना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझोगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि हम लोगों ने क्लासेस में क्या डिस्कस किया, फिर ये समझ में आ जाएगा। इसमें मैम जाकर एक, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। हाँ, बिकॉज उसके लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म का, तो एक बार आप क्लास जाकर के देखोगे यूनिट 2 की पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म वाली, तो समझ में आ जाए, ठीक है। इट इज बेसिकली, देखो पोस्ट कॉलोनियल जो फेमिनिज्म है उसने क्या है बोला था कि जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर्स थे, कॉलोनियल रूलर्स थे, ठीक है, कॉलोनियल जो हमारी लेगेसीज हैं, वो सब कुछ जो है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड थी, नॉलेज को क्रिएट करने के ऊपर। और व्हाट डू वी मीन बाय क्रिएटिंग नॉलेज, जैसे हमने यहाँ पे लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, ठीक है, अगर आप इसी को कॉलोनाइजेशन के साथ जोड़ करके देखो कि भाई जो कॉलोनियल इंडिया था उसके अंदर विमेन जो थी, या मोर स्पेसिफिकली दलित वुमेन ले लो चलो, वो किस तरीके से रहती होगी, उनको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया, उनकी आइडेंटिटी को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया। जैसे अगर आर्काइव्स के अंदर, जो कि कॉलोनियल पावर्स ने क्रिएट करे थे अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, जो आर्काइव्स हैं, ठीक है, उनके अंदर अगर दलित वुमेन को क्रिमिनल की तरीके से दिखाया गया, ठीक है, या फिर उनको फॉर इंस्टेंस विचेस की तरीके से दिखाया जा रहा है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो कि ईविल है, ठीक है, या फिर जो डर्टी है, ओके, आप सेक्सुअल टर्म्स के अंदर ले लो या बाकी टर्म्स के अंदर ले लो, तो अगर हम आज उन्हीं आर्काइव्स को यूज करके हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो हम भी उसी तरीके की जो बेसिकली उनको बायस्ड जो कोनोटेशन दी गई है दलित वुमेन को, हम भी वही कंस्ट्रक्ट कर जाए। तो
तो पोस्ट कॉलोनियल का बेसिक कंसेप्शन क्या है कि जिस तरीके से कॉलोनियल नॉलेज कंस्ट्रक्ट हुए, हमें उसको चैलेंज करना है. हमें नॉट जस्ट कॉलोनियल नॉलेज को, बल्कि जो सोर्सेज हम लोग यूज करते हैं कॉलोनियल टाइम्स को समझने के लिए, हमें उनको भी चैलेंज करना पड़ेगा. उनको भी बिटवीन द लाइन्स जो है हमें रीड करना पड़ेगा, तभी हम हिस्ट्री को एक डिफरेंट परस्पेक्टिव के साथ जो है वो समझ पाएंगे. और अगर आप इसको डिटेल में जानना है तो फिर यूनिट 2 में अच्छे से कवर्ड है. ठीक है, अगर आप पोस्ट कॉलोनियल उसको देखोगे तो देखो यहाँ पे जो ऑड वन आउट है वो यही है, अप्रोप्रिएशन कोडिफिकेशन ऑफ नॉलेज. बिकॉज बाकी चीजें देखो क्या बोल रही है, फेवरेबल इकोनॉमिक एक्सचेंज. कोई भी पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिस्ट जो है वो कभी भी नहीं कहेगा कि जो कॉलोनाइजेशन थी वो फेवरेबल इकोनॉमिक एक्सचेंज के ऊपर बेस्ड. दिस इज बेसिक हिस्ट्री. ठीक है, हमें पता है जैसे ब्रिटिश जो थे वो इंडिया को राज क्यों कर रहे थे, इंडिया के ऊपर राज क्यों कर रहे थे. अगर उनको इकोनॉमिक एक्सचेंज फेवरेबल रखना तो उनका क्या फायदा था उस चीज़ का. अनफेवरेबल इकोनॉमिक एक्सचेंज कैसे था इंडिया के अंदर, कि यहाँ से जो है मान लो कि जितनी भी जो वेल्थ थी वो अपनी कंट्रीज के अंदर लेकर के गए, वो डेवलप हुए हमारी कॉस्ट के ऊपर. ठीक है, जैसे अगर मान लो कि रेलवे लाइंस अगर इंडिया में हम सोचेंगे, अगर इसका हम काउंटर करने की कोशिश करें कि डेवलपमेंट भी तो बहुत हुई थी, रेलवे लाइंस लगा दी थी. ठीक है, इंडिया में एजुकेशन ले आए थे, जो मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन है वो ले आए थे, बट ये सब कुछ वो कर क्यों रहे थे, सो दैट कि उनका फायदा हो. रेलवे लाइंस इसलिए लाई गई थी ताकि वो इंडिया को बेटर कंट्रोल कर सके, वो ट्रेड जो है वो इंडिया के साथ बेटर कर सके. और वो ट्रेड जो था वो हमेशा से इस तरीके से था जो कि ब्रिटिशर्स के फेवर में रहे. तो कभी भी कॉलोनाइजेशन जो है वो फेवरेबल इकोनॉमिक एक्सचेंज के ऊपर बेस नहीं होती है. अगर कोई बाहर की पावर आपकी कंट्री को पॉलिटिकली रूल कर रही है तो वो इसीलिए कर रही है कि सो दैट कि वहां से जो वेल्थ है उसको एक्सट्रैक्ट कर सके, अदरवाइज उसका फायदा क्या है वहां पर होने का, है ना. पावर जो है वो हमेशा इकोनॉमी के बेसिस के ऊपर होती है. पावर अपने आप में सिर्फ पावर के लिए नहीं होती है. पावर इज ऑलवेज द पावर ऑफ मनी, राइट. तो कभी भी कॉलोनाइजेशन में फेवरेबल इकोनॉमिक एक्सचेंज नहीं होगा. और जैसा कि मैंने अभी बोला कि पावर होती है तो फिर पॉलिटिकल डोमिनेशन होगी, उसकी एब्सेंस नहीं हो सकती, तो ये भी गलत हो जाएगा. और अगर ये सब कुछ है तो फिर कहाँ है म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर कल्चर्स. अगर आप देखो कि इंडियन वुमेन की आइडेंटिटी को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया था बाहर की कंट्रीज के अंदर, कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा जो है इनके साथ एक्सप्लॉयटेशन होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है, जैसे सती प्रथा को या बाकी जितनी भी चीजें हैं, इंडियन वुमेन को हमेशा से बाहर के कल्चर्स में ये दिखाया गया था कि बहुत दबी हुई जो एक प्राणी है वो है, इनका बहुत ज्यादा जो है शोषण किया गया. जबकि इंडियन वुमेन किस तरीके से एम्पावर्ड भी थी, किस तरीके से अपने लिए वो चीजों को लेने की कोशिश करते थे, उन सारे एफर्ट्स को कहीं पर भी दिखाया. ठीक है, और कभी भी कॉलोनाइजेशन जो है वो बेस, उसके अंदर बहुत सारी और थ्योरीज होती हैं जो कि उसको सपोर्ट करती हैं कि भाई बाहर के कल्चर्स जो हैं वो आपसे ज्यादा सुपीरियर हैं, इस वजह से वो आपके ऊपर रूल कर रहे हैं. जैसे आप देखो वाइट मैन्स बर्डन थ्योरी के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, वाइट मैन्स बर्डन, तो ये थ्योरी ये बोलती थी, और जिसके बेसिस के ऊपर ब्रिटिश जो थे अपनी कॉलोनाइजेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करते थे कि हमारा जो कल्चर है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा है, हमारे कल्चर में सबके लिए बेसिक रिस्पेक्ट है, लेकिन ये जो बाहर के कल्चर्स हैं, जितने भी एशियन कल्चर्स हो गए, अफ्रीकन कल्चर्स हो गए, या फॉर दैट मैटर लैटिन अमेरिकन जो कल्चर्स थे, ठीक है, उनको वो बोलते थे कि भाई ये लोग बारबेरिक लोग हैं. बारबेरिक कौन होते हैं, जानवरों जैसे रहने वाले लोग, जहाँ पे कोई बेसिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सोसाइटी के अंदर, जो कि सिविल नहीं है, ठीक है, सिविलाइजेशन नहीं है जहाँ. तो इस वजह से बिकॉज ये लोग आपस में इस तरीके से जो है ढंग से नहीं रहते, यहाँ पे कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, हमें इनको करना पड़ेगा सो दैट कि हम इनको जो है क्या कर सके, सिविलाइज कर सके, क्योंकि हम लोग जो है वो हम ऑलरेडी उस स्टेज तक पहुंच चुके हैं, इसलिए हम लोग सुपीरियर है. तो ये वाइट मैन्स बर्डन था कि भाई सबका भला जो है हम करें, हमें जो है भगवान ने इस तरीके का बर्डन जो है हमारे ऊपर दिया हुआ है कि भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बाकी लोगों को सिविलाइज हमने करना, ये जो बाकी कल्चर्स है. अब इसमें कुछ भी ट्रूथ नहीं था, लेकिन दिस इज हाउ दे जस्टिफाइड अपना कॉलोनियल रूल. ठीक है, कि भाई हम तो तुम्हारा उद्धार कर रहे हैं, तुम्हारा भला कर रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो फिर तुम लोग जो है तुम्हारे लिए कहीं पे भी कोई मुक्ति या मोक्ष जो है वो नहीं है. ठीक है, तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है, दैट इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर कल्चर्स. ठीक है ना, बट वॉट इट वॉज बेस्ड ऑन कि नॉलेज को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली नॉलेज इज पावर, है ना. अगर आप इस तरीके का दिखा दोगे इंडियन जो लोग हैं कि भाई ये लोग तो बारबेरिक हैं, ये लोग अनसिविलाइज्ड हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है औरतों के साथ अत्याचार किया जाता है, यहाँ पे जो है